अब पेज पर शीट, एक शीट में ये हम देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है ये एक शीट है, तो एक शीट में कितने पेजेस प्रिंट करने हैं वो भी हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ से एक शीट में एक पेज आ रहा है, मैं एक शीट में दो पेज बोल देता हूँ। ओके, तो ये देख सकते हैं हम लोग एक शीट में दो पेज यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बोल देते हैं कंट्रोल पी, फोर पेज इन ए शीट, तो यहाँ पर फोर पेज इन ए शीट आएंगे, चार पेजेस एक शीट में आ रहे हैं। इसी तरीके से स्केल साइज, जो हमारा पेपर है इसका साइज़ क्या है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। पेज लेआउट में जाएंगे हम लोग और यहाँ पर साइज़ में जाएंगे। अब इसका साइज़ A4 है, अगर हम इसको साइज़ को चेंज करना चाहें तो यहाँ से लेटर या लेटर स्मॉल या जो भी हम साइज़ करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रिंटिंग के टाइम पे इसको चेंज करना चाहें तो भी पॉसिबल है। हम यहाँ पर कंट्रोल पी में जाएंगे और यहाँ से इसके पेपर का साइज़ सेट करेंगे। हम इसको इस तरीके से चेंज पेपर साइज, पेज साइज, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। यहाँ पर सिर्फ पेपर साइज सेट नहीं हो पा रहा है, ये या तो हमारे रियल प्रिंटर के साथ काम करेगा, तो इसका फिर एक तरीका है, हम लोग यहीं पर जाकर इसको सेट कर देते हैं। यहाँ से हम कोई पेपर साइज सेट कर लेते हैं, जैसे मैंने लिया, मैं ले लेता हूँ जैपनीज़ पोस्ट कार्ड, तो इस तरीके से रह जाएगा। अब अगर हम कंट्रोल पी करते हैं और प्रिंट कराते हैं तो हमारा डेटा इसी फॉर्मेट में प्रिंट होएगा, ये हम देख सकते हैं पोस्ट कार्ड के फॉर्मेट में ही आया है। तो प्रिंटिंग के लिए अगर हमें पेपर साइज़ सेट करना है तो हम लोग यहीं से पेज लेआउट में जाके यहाँ से सेट कर सकते हैं, तो इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। लेकिन यह कि अगर इस पर कोई रियल प्रिंटर अटैच है और फिर हम यहाँ से सेट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी सेट हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ एक बार प्रैक्टिकल करके देखना होगा। तो ये बेसिकली पेपर को सेट करने के लिए है पेपर साइज़, लेकिन एक्सप्रेस डॉक्यूमेंट के साथ ये काम नहीं कर रहा है, शायद रियल प्रिंटर के साथ ये काम करेगा। तो पेपर साइज़ यहाँ से भी सेट कर सकते हैं और पेज लेआउट में जाकर भी हम लोग पेपर साइज़ को सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद आती है इसमें दूसरी चीज़, ये सब हमने कर लिया है प्रॉपर्टीज़, ये हमारे प्रिंटर की प्रॉपर्टीज सेट करने के लिए होता है। अब हमारा जो प्रिंटर है यहाँ पर अभी, ये प्रिंटर सिस्टम का एक्सपीएस डॉक्यूमेंट है जो एक सॉफ्टवेयर है, ये रियल प्रिंटर नहीं है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी इसकी है कि ऑटोमेटिकली ओपन एक्सपीएस डॉक्यूमेंट यूजिंग एक्सपीएस व्यूअर। अगर मैं इस ऑप्शन को बंद कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ और फिर मैं प्रिंट कराता हूँ, तो हम देख सकते हैं कि डेटा पे हमारा प्रिंट हो गया है, लेकिन हमें ओपन होकर फाइल नहीं आई है। ये हमारी फाइल थी वो जो प्रिंट होकर आनी थी, लेकिन प्रिंट होकर ओपन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से इस प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ को बंद कर दिया था। अब इसको ऑन कर देते हैं, ओके। अब हम देखेंगे फाइल खुद ही ओपन होकर आ जाएगी। ये तो ये प्रॉपर्टीज़ यहीं से सेट होती है कि जैसे ही फाइल प्रिंट हो एकदम से वो ओपन हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर पेपर साइज़ है, हम जैसे लैंडस्केप में प्रिंट करना चाहते हैं, ओके, तो हमारे डेटा को लैंडस्केप में प्रिंट करेगा। लेकिन ये चीज़ भी यहाँ से सेट नहीं होगी क्योंकि इस प्रिंटर की कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पर सेट नहीं हो पा रही है जो हम यहाँ से सेट कर रहे हैं प्रिंटिंग के लिए। तो फिर हमें लैंडस्केप भी यहीं से करना होगा, लैंडस्केप में जाएंगे, ओके, और इस बार कंट्रोल पी करेंगे हम लोग तो हमारा डेटा लैंडस्केप में ही प्रिंट हो जाएगा। ये हम देख सकते हैं, वापस हम पेपर साइज पोर्ट्रेट कर देंगे। तो एक्सपीएस से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी हम यहाँ से सेट करना चाह रहे हैं पेजेस की, वो इस पर काम नहीं कर रही हैं, रियल प्रिंटर पे ये काम करती हैं।
तो फिर हमें ये इसके लिए मैन्युअली यहाँ से सेट करनी पड़ रही है पेज लेआउट में जाकर। ये हमारे पास हो गया। फाइंड प्रिंटर से अगर हमें किसी दूसरे प्रिंटर को अपने यहाँ इंस्टॉल करना है उसको कहते हैं, लेकिन उसके लिए प्रिंटर तो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होने चाहिए। प्रिंट टू फाइल से हमारा डेटा एक फाइल बनकर सेव हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग डेस्कटॉप पर जाएंगे और प्रिंट टू फाइल या प्रिंट फाइल के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये डेटा हमारा करप्ट होके ओपन हुआ है, लेकिन ये एक फाइल बन के यहाँ पर सेव हो गया है, हम देख सकते हैं। ये है वो प्रिंट फाइल। इसका कोई और फॉर्मेट होता है खोलने का, मैंने इसको वर्ड पैड में खोला तो ये करप्ट होकर फाइल खुल रही है। ये तब होता है सपोज़ हमारे पास कुछ डेटा है और हम अभी उसे हम प्रिंटर पर प्रिंट नहीं कराना चाहते, तो हम उसको फाइल बनाकर रख लेते हैं और इन फ्यूचर जब हमारे पास प्रिंटर अवेलेबल होगा तो हम उस फाइल को प्रिंट करा देंगे। तो इस तरीके से काम करेगा।